अध्याय दो श्लोक क्रमांक एक। संजय उवाच तं तथा कृपयः आविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलक्षीणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उसे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो।